हेलो दोस्तों, मेडिसिन गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस आज 122 देशों में पहुंच गया है। इससे संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या 4600 को पार कर गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी के WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। इसका असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर दिख रहा है। भारत सहित कई देशों के शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट आई है। दोस्तों, दुनिया भर के सरकारें इस वायरस को लेकर जागरूक करने पर ध्यान दे रही है। जानकार का कहना है कि इस संक्रमण को फैलने से रोककर ही इसे काबू में किया जा सकता है। दोस्तों, भारत में हाल ही में एक के बाद एक कोरोना वायरस के मामले सामने आने से पूरे देश में इस वायरस को लेकर खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। हर कोई शख्स इस वायरस से बचाव के लिए नए नए तरीके खोज रहा है और खौफ के बीच में लोग बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा मुंह पर लगाने वाले मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा वो मास्क है जो कोरोना वायरस से बचाव करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है और मास्क पहनने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, पूरे देश में इसकी मांग भी बढ़ी लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर लोगों में पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे में लोगों को कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सा मास्क ज्यादा प्रभावी और उन्हें इस्तेमाल करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दवाइयों की संपूर्ण जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मेडिसिन गुरु और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है ये है, आप देख सकते हैं, डिस्पोजेबल फेस मास्क, जिसे सर्जिकल मास्क भी कहता है। यह आमतौर पर मेडिकल स्टोर में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन बढ़ती हुई मांग को देखकर आजकल भारत में बहुत सी दवाइयों के दुकान मेडिकल स्टोर में इस मास्क की किल्लत हो गई है, शॉर्टेज हो गई है। दोस्तों, इस मास्क का जो इस्तेमाल है वह डिस्पोज करने के लिए, मतलब आप इसको एक बार पहनने के बाद दूसरे दिन रीयूज नहीं कर सकते, आपको उसे फेंक देना होगा। तो डिस्पोजेबल मास्क को जो सर्जिकल मास्क कहा जाता है, इसे अस्पताल में मौजूद मरीजों के आसपास रहने वाले डॉक्टर और स्टाफ यूज करते हैं। यह डॉक्टर और रोगी दोनों को संक्रमण से बचाता है, क्योंकि ये इनसाइड टू आउटसाइड यानी अंदर से बाहर इन्फेक्शन को रोकता है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे तक ही प्रभावित होता है और यह कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से नहीं बचा सकता। इसका रीजन ये है कि ये मास्क आप जैसे ही मुंह पर लगाते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ से और ये नीचे से और इस तरफ से और यहाँ से जो है वो हवा जाने का जगह होती है, जिस वजह से उसमें से संक्रमण जो है वो शरीर के अंदर जा सकता है। दूसरा जो बहुत ही प्रभावी मास्क है, इसे N95 मास्क या N95 रेस्पिरेटर मास्क कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं ये 3M कंपनी का N95 रेस्पिरेटर मास्क है। ये आप इसको देख सकते हैं, इसकी बनावट और डिजाइन ही यह बताती है कि यह किस तरह से कोरोना वायरस से बचाने के लिए प्रभावित है। तो दोस्तों, ये मास्क H1N1 और SARS जैसे वायरस की महामारी के दौरान मदद करता है। कोरोना वायरस से सुरक्षा के तौर पर N95 रेस्पिरेटर का इस्तेमाल ज्यादा प्रभावी माना है, क्योंकि ये मास्क अच्छी तरह से फिट होते हैं और छोटे से छोटे कण यानी के 2.5 माइक्रो तक के कण जो है वह यह छानते हैं। 5 फिल्टर से बना हुआ होता है और जिसकी वजह से यह बहुत ही कारगर और बहुत ही इफेक्टिव है। यह रेस्पिरेटर मास्क भी होते हैं जो डस्ट पॉल्यूशन के वक्त इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये पूरी तरह से इंसुलेटेड होता है और इसे स्पेशल मटेरियल से बनाया होता है। आप देख सकते हैं ये जो है ये NIOSH अप्रूव्ड मास्क होता है। NIOSH यूनाइटेड स्टेट की वह संस्था है, वह इंस्टीट्यूशन है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ, जो डिसीज कंट्रोल सेंटर के साथ मिलकर इस मास्क को प्रमाणित करती है, अपना ठप्पा देती है।
उसके बाद जो कुछ इस तरह के FFP1 करके मास्क आते हैं जो हम आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं ये 3M कंपनी का FFP1 मास्क। तो यह दिखने में बिल्कुल ही N95 मास्क की तरह होते हैं, लेकिन इस पे जो कोड है वह अलग है, 8710IN। यह मास्क जो है यह N90 के 5 मास्क के तुलना में 80% तक जो है वो बैक्टीरिया, वायरसेस, पॉल्यूशन और डस्ट को फिल्टर करते हैं। तो यह N95 मास्क की तुलना में थोड़े कम प्रभावी होते हैं, लेकिन इस मास्क को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात है यह FFP15, इस तरह के मास्क होते हैं जिसमें डबल कोटिंग, डबल लेयर मास्क होता है। आप देख सकते हैं इसकी बनावट, और ये जो है यह पूरी तरह से मुंह में फिट हो जाता है। इस पे यह इलास्टिक स्ट्रिंग दी गई हुई है, और इसको पहनने का एक जो है तरीका है वह इस तरह से आपको जो है वो होल्ड करना है। उसके बाद इसकी जो मेटल की क्लिप है, ये मेटल की क्लिप आपको नोज पे लगा के पहला जो है इसको इस तरह से ये करना है, और ये जो इसके बाद इसकी जो दूसरी ये है उसको पूरा नीचे से ले जाकर पीछे कान के यहाँ ले जाना है। तो इस तरह से यह मास्क आप देख सकते हैं पूरी तरह से फिट हो गया। इसके बाद यहाँ पे उसका टाइट करने के लिए अलग से एडजस्टमेंट दिया है, वो आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मास्क कहीं से भी लीक नहीं हो रहा है, यह पूरी तरह से फिट हो रहा है, यहाँ तक कि मेरी आवाज़ भी नहीं जा रही। इस मास्क की दिक्कत यह है कि आप इसे लंबे समय तक नहीं पहन सकते, क्योंकि इसमें हवा और जाने और आने के लिए बिल्कुल जगह नहीं होती है। जिन लोगों को सांस की तकलीफ है वह यह मास्क लंबे समय तक के लिए नहीं पहन सकते, लेकिन यह मास्क भी जो है वह अच्छी तरह से प्रभावी है, अच्छी तरह से इंसुलेटेड है, और यह जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस जैसे छोटे से छोटे माइक्रोन वाले वायरस को तो फिल्टर नहीं कर पाता है, लेकिन बचाव का तरीका ज़रूर है। आप इसको पहनने के बाद अपने मुंह और नाक को बार बार छूने से बच सकते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। इस तरह के कुछ और भी मास्क है जिसे हम रीयूजेबल मास्क कहेंगे। आप देख सकते हैं यह लाइक्रा मटेरियल से बना हुआ यह दो फिल्टर का यह मास्क है, आप देख सकते हैं। तो यह मास्क जो है यह कोरोना वायरस जैसे गंभीर वायरस से बचाव नहीं करता है, लेकिन यह भी जो है यह डस्ट, पॉल्यूशन इस तरह का जो है वो फिल्टर करता है। यह भी पूरी तरह से अच्छी तरह से फिट हो जाता है, और इसको पहनने की वजह से आप बार बार मुंह और नाक को जो है वो टच करने से बच सकते हैं, और इस वजह से संक्रमण का खतरा कम होता है। तो यह मास्क भी जो है वो मेडिकल स्टोर में उपलब्ध है। इसके अलावा वीनस कंपनी के इस तरह के NIOSH अप्रूव्ड N95 मास्क भी जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, और आप देख सकते हैं इसकी भी डिज़ाइन इसी तरह से की हुई है कि जो हवा है, एयर है, पॉल्यूशन है, डस्ट है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वह किसी भी रूट से हमारे शरीर के अंदर जो मुंह और नाक है उस रूट से हमारे शरीर के अंदर न पहुंच सके। इस तरह का एक आप देख सकते हैं प्योर एंड मी ब्रांड का N95 मास्क मार्केट में अवेलेबल है, और इसकी खास बात यह है कि ये 5 लेयर्ड फिल्टर है, 2.5 PM जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको फिल्टर करता है बहुत अच्छी तरह से। यहाँ इसका इंसुलेशन दिया गया है, और ये मॉइस्चर से भी कंट्रोल कर, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक फिल्टर लगा हुआ है, ये इस तरह का एक फिल्टर लगा हुआ है। तो क्या है कि अगर आप इसे लंबे समय तक पहनते हैं
तो आप इस फिल्टर से, यह एयर चैम्बर का काम करता है, यह ब्रीदिंग फिल्टर है, तो आप इसे लंबे समय तक पहन सकते हैं। जिन लोगों को सांस की दिक्कत है, सांस लेने में परेशानी की दिक्कत है, उन लोगों के लिए यह मास्क बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही कारगर है। तो यह मास्क भी जो है वो कोरोना वायरस जैसे गंभीर वायरस के संक्रमण इन्फेक्शन से बचाने में कारगर है। तो दोस्तों इस तरह के कुछ मास्क की हमने बात की। इसके अलावा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि FF3 जो 3M ब्रांड का मास्क आता है, N99 मास्क, ये सबसे फाइन क्वालिटी का मास्क बताया जा रहा है। इसमें फिल्ट्रेशन जो है वो 99% होता है और लीकेज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2% तक ही इसमें लीकेज होती है। यह कोरोना, सार्स, मर्स और उसके जैसे अन्य जानलेवा वायरस, स्वाइन फ्लू, H1N1 से बचने के लिए बहुत ही कारगर है। इसको जो है वो हेल्थ प्रोफेशनल, हेल्थ वर्कर्स, जो VVIPs जो है वो पहनते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आना होता है, वो ऑन ड्यूटी होते हैं। तो भारत जैसे भीड़भाड़ वाले देशों में यह कितना इफेक्टिव है यह अभी तक कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तय है कि किसी भी प्रकार का जो मास्क है वह खांसी, छींक और इसके जरिए जो इन्फेक्शन फैल सकता है, जो वायरसेस फैल सकता है, उसे रोकने के लिए बहुत ही कारगर होगा। तो अगर आपको खांसी है, जुकाम है, इस तरह का कुछ इन्फेक्शन है, आपको बार बार छींकें आ रही है, तो आप साधारण डिस्पोजेबल मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपको कोरोना वायरस जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप तुरंत ही आपके नज़दीकी अस्पताल और क्लिनिक डॉक्टर से संपर्क करें, अपने लक्षणों के बारे में बताएं। अगर आपने कोई जर्नी की है बाहरी देशों की, या आप ऐसे किसी लोगों के संपर्क में आए हैं जो आज कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे हैं, तो आप तुरंत ही अपने नज़दीकी अस्पताल और डॉक्टर को दिखाइए। तो अब ये जो मास्क है ये किन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और किन्हें इसे पहनना चाहिए? तो अगर आप एक चिकित्सा कर्मचारी है तो आप ये मास्क जो है N95 मास्क पहन सकते हैं। अगर आप कोरोना वायरस यानी COVID-19 से संक्रमित है, इन्फेक्टेड है, तो आपको ये मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। आप ऐसे किसी संक्रमित रोगियों के संपर्क में है, उनके रिश्तेदार है, तो आपको यह मास्क पहनना चाहिए। और अगर आप बहुत ही बड़े पब्लिक एरियाज जैसे कि एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से, बसेस से, मेट्रो ट्रेन से, इस तरह के भीड़ भाड़ वाले एरिया जो मार्केट्स, बाजार है, वहाँ जाते हैं, वहाँ जिसका खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे जाते वक्त ये मास्क जो है वह आप पहन सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको यह इन्फॉर्मेशनल वीडियो बताया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारजनों में शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल मेडिसिन गुरु सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।